वाराणसी पड़ाव स्थित दीनदयाल नगर में पंडित दीनदयाल जी की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और लोगों ने पंडित दीनदयाल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मिश्र ने बताया कि यह स्थान दीनदयाल जी का पुण्य स्थल है। यहीं पर दीनदयाल जी की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई थी और उनको श्रद्धांजलि देने का यह सर्वोत्तम स्थान समझा गया है। स्थान के द्वारा और दूसरी प्रसाद उन्होंने श्रद्धांजलि दे उनका अनुकरण करें, इस लक्ष्य को देखते हुए, क्योंकि दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना दीनदयाल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए की गई है। यह संस्थान या विचार आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता पर, कालीन प्रदेश अध्यक्ष कल्याण सिंह, जो इन सभी लोगों को एक प्रतिष्ठान की स्थापना के संस्थापक अध्यक्ष थे, जो अटल बिहारी जी के साथ के प्रचारक थे, और उन्होंने यह संदेश दिया कि हम उनके दीनदयाल जी के पदचरणों पर चलकर ही उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। मैं प्रवीण मिश्रा, दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इस चूँकि यह दीनदयाल जी की पुण्यस्थल है, यहीं पर दीनदयाल जी की अंतिम यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने का यह सर्वोत्तम जगह थी समझी गई हम प्रतिष्ठान के द्वारा। और दूसरी चीज़ यह थी कि उनके जो चार पुरुषार्थ उन्होंने कहे थे, उन पुरुषार्थों को पूरा करते हुए यदि हम उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनका अनुकरण करें, तो यह ज़्यादा समाचीन होगा। इस चीज़ इस लक्ष्य को देखते हुए, क्योंकि दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना दीनदयाल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए की गई, यह संस्थान, यह विचार आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कल्लाज मिश्रा जी, लालजी टंडन जी, कल्याण सिंह जी, इन सभी लोगों को कहा। इन लोगों ने एक प्रतिष्ठान की स्थापना की। इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार अस्थाना जी थे, जो अटल जी के साथ के प्रचारक थे, और उन्होंने इसकी यहाँ पर स्थापना करके बृहद रूप दिया था। और प्रकाशनों के द्वारा, उसके द्वारा यह कार्य हम लोग कर रहे हैं। और आज के दिन प्रतिष्ठान के द्वारा यह संदेश देना कि हम उनके दीनदयाल जी के पद चिन्हों पर चल करके ही उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जैसे आज हमारी, हम कह सकते हैं कि हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार उनके पद चिन्हों में चल करके पूरे देश में प्रगति और शांति का वातावरण तैयार कर रही है। धन्यवाद महोदय जी, अपना परिचय बता दो। जन्म लिए संजय चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सर, आज ये जो आयोजन हो रहा है, इसके बारे में सर बताएं क्या कैसे हो रहा है? ये दीनदयाल जी की आज 56वीं पुण्यतिथि है, और इस अवसर पर दीनदयाल जी के विचारों को बच्चों में ले जाने के लिए, और उनके विचार का सूत्र था कि जो लोग पीछे छूटे हुए हैं उनकी चिंता करें, इसलिए लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इसके पहले सारे हमारे संस्थान के लोगों ने हवन और पूजन किया, संगीत से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, पुष्पार्चन है, तो सारे समाज में दीनदयाल जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। सर, अगर इस समय वर्तमान में राजनीति की बात की जाए, तो बनारस में ज्ञानवापी का जो प्रकरण है वो बड़े जोरों शोरों में चल रहा है। कुछ दिन पहले हिंदू पक्ष की तरफ से उसमें कुछ फैसले भी आए थे, जिसका कि विरोध भी एक तरफ से आया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ज्ञानवापी के प्रकरण में सत्य के आधार पर निर्णय होना चाहिए, और सत्य जो है उसके लिए अन्वेषण होना चाहिए। सत्य की खोज के लिए जो भी ASI वगैरह, उसमें जो सत्य है उसके लिए उस सत्य को ढूंढ रही है, सर्वे कर रही है, और मुझे लगता है सत्य के आधार पर जब सत्य निकल के सामने आएगा, तो उसी हिसाब से निर्णय होगा, और जो निर्णय होगा सभी को सिरोधार्य होगा।